हेलो एवरीवन दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली सो गाइस आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम अगर आपका थर्ड फोर्थ शिफ्ट का रहता है या फिर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी वैरी करती है अदर शिफ्ट से तो उसे हमें ट्वेंटी मिनट में कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखेंगे तो गाइडली के जो फोर्थ शिफ्ट के स्लॉट्स आपको दिए गए थे ऑल इंडिया लाइव मॉक के तो उसमें हम शिफ्ट फोर का पेपर आज अटैम्प्ट करेंगे तो गाइडली डॉट इन वेबसाइट पर जाके आप इन टेस्ट को दे सकते हो ये बिल्कुल फ्री है अगर जिसने टेस्ट नहीं दिया या मिस हो जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो और अगर आपने दिया है आपको लगता है कि मैं थोड़ा और बेहतर कर सकती या फिर क्या चीजें हैं जो आप मेरे से सीख सकते हो तो इस वीडियो के थ्रू देखिएगा कि आपको अरिथमेटिक कैसे अटेम्प्ट करना है डीआई या आपका जो भी स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्ट करेंगे थर्ड वाला मैंने दे दिया है आपको ठीक है अब हम फोर्थ वाला करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड हम स्टार्ट करते हैं इसको हम्म mm -hmm. चलिए। नहीं attempt करेंगे हम। चलो यहीं से करते हैं स्टार्ट एक सौ बत्तीस मतलब माइनस का साइन फैक्टर्स का डिफरेंस ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह और बारह हमारा कितना होता है दो और एक तीन दोनों का डिफरेंस तो प्लस का बारह मतलब माइनस का बारह और प्लस का ग्यारह आया होगा यहाँ पर देखो तो पंद्रह और ग्यारह दिख रहा है दोनों ही प्लस के होंगे तो ओवरऑल वाई जो है वो ग्रेटर और इक्वल दिख रहा है सो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नेक्स्ट यहाँ पर क्या है अगर मैं टू टू है तो टू एक्स टू वाई कर दूँ थ्री एक्स में से टू एक्स क्या एक्स आया पंद्रह तो नहीं तीस तो एक्स की वैल्यू सात आ गई और सात आई आठ सात पंद्रह वाई सो वाई हमें बड़ा दिख रहा है वाई ग्रेटर देन एक्स नेक्स्ट यहाँ पर क्या है दो सौ इक्कीस तीन से नहीं जाएगा नौ से नहीं जाएगा ग्यारह से नहीं जाएगा तेरह से नहीं जाएगा सत्रह एकम सत्रह सत्रह तीर इक्यावन और माइनस का सत्रह प्लस का तेरह तब आया होगा तो प्लस का सत्रह और माइनस का तेरह यहाँ से तेरह एकम तेरह तेरह पंचे पैंसठ माइनस का तेरह माइनस का पंद्रह बराबर और बड़ा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई नेक्स्ट तीन ही थे क्या बवाल था भाई सिंप्लीफिकेशन hmm. को निपटाते हैं जल्दी से पहला क्वेश्चन बापरे चौबीस <laughs> का स्क्वायर चौबीस uh, और पंद्रह कितना था स्क्वा स्क्वायर थर्टी नाइन एंड दिस नौ 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 इक्यासी नौ त्रिक सत्ताईस आठ सात पंद्रह और ये वन बाय फोर चार एकम चार चार दुनिया आठ वन दुन, पाँच छः सात तीन और एक चार सिक्स एटी नाइन ठीक है ये आ जाएगा आपका एड करो नौ और एक दस आठ सात पंद्रह और एक सोलह छः चार दस और एक ग्यारह ग्यारह सौ साठ आएगा नेक्स्ट यहाँ पर वन बाय फोर चार बारा, चार दो है पाँच एकम पाँच पाँच दिया पंद्रह पच्चीस और ये अठहत्तर आठ पाँच तेरह दस में से तीन के साथ कई ऑप्शन आ रहा है काम नहीं बन रहा है यहाँ पर ग्यारह में से सात ग्यारह में से सात गया चार और ये हो जाएगा टू फोर्टी सेवन है ना बट एक भी तो है यहाँ पर Uh, आठ पांच तेरह सात तीन दस और एक ग्यारह एक सेकेंड आठ पांच तेरा सात तीन दस और एक ग्यारह दस में से तीन गया सात जीरो वन जीरो सेवन आएगा खतरनाक था क्वेश्चन सही है ना एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगी इसको अः पाँच एकम पांच पांच दिया पंद्रह पच्चीस अठहत्तर आठ पांच तेरह सात तीन दस ग्यारह देखा ये हो जाता है कभी कभी वन सही है नेक्स्ट अस्सी पर आठ बत्तीस आठ दून सोलह तीन उन्नीस तीस और सोलह छः सात आठ नौ तीन बारह और एक तेरह दो सौ अड़तीस नौतीस यहां पर क्या है प्लस वाले पांच छः सात आठ दो दस चार चार आठ और एक नौ और ये आपके ऐड करो तीन दो पाँच पाँच दस छः सात आठ नौ और एक दस तीन दो पाँच छः सात और एक आठ पाँच छः सात अठहत्तर दस में से सात गया तीन नाइनटी थ्री लास्ट में किसमें दिख रहा है इसमें दिख रहा है है ना ओह फो क्या है सत्रह में से नौ गया आठ सत्रह में से नौ गया आठ वन इज करेक्ट नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीस छः तीन नौ सात आठ सात पंद्रह पाँच पाँच चार चौक सोलह चौक चौसठ और पाँच सिक्सटी नाइन सात सत्तर उनचास बीस आ जाएगा डिफरेंस अच्छा है सिम्प्लीफिकेशन यहाँ पर उन्नीस उन्नीस बारह दूनी चौबीस ये बारह चौक अड़तालीस बारह दूनी चौबीस अट्ठाईस ऐड करिए यहाँ पर कितना आया साठ साठ पंद्रह सौ कर दो इसको और वन बाय फोर तो आठ आठ चार बारह दो दो चार और एक पाँच, चार तिया बारह चार सत्तर अट्ठाईस चार पच्चीस माइनस करिए तीन बारह में से सात गया पाँच, वन फिफ्टी थ्री नेक्स्ट छः सौ छिहत्तर मतलब ये छब्बीस पंद्रह नब्बे पंद्रह दून तीस थ्री नाइनटी जिस एस तीस और उन्नीस चौको छिहत्तर चार दिया बारह नौ में से दो गया सात दो सौ सत्तर नेक्स्ट नाइन्टी थ्री ओके ये घटेगा यहाँ से डिवाइड में चार सत्ते अट्ठाइस चार बार गया ठीक है और अगर इसको पांच पंद्रह पांच नहीं पैंतालीस ये पांच बार गया तो ये पांच चौको बीस और ये रूट पच्चीस में से पांच आए बीस पच्चीस सौ नेक्स्ट ये सात सत्ते उनचास सात दूनी चौदह कितना बचा सात अठे छप्पन सात सत्य उनचास और ये प्लस हो जाएगा तेरह तीन उनतालीस तेरह दूनी छब्बीस तेरह चौको बावन तीनों अठे चौबीस 49 that is इज Next, नेक्स्ट तेईस सौ चार और एक नौ चार और एक पांच और में से आप सैतीस माइनस करिए नौ में से सात गया दो बाईस आपका एंसर चार बटे सात सात आठ चौको तीन सौ मतलब छह सौ अस्सी तेरह चौको बावन एक सौ साठ और ये डिवर्स हो जाएगा

कितना हो गया ये एक आठ पांच तेरह दो सौ इकतीस दो तीन चार चार आठ दो इसमें से दो सौ इकतीस माइनस करोगे एक आया एक आ रहा है फिर तीन में से तीन गया जीरो आठ में से दो गया छब्बीस सौ एक इक्यावन का होता है खत्म क्या भयंकर दिमाग खराब किया भाई शिफ्ट देख रहा है ऐसा ही बवाल हो जाता है, है ना ऐसे ही चीजें खराब हो जाती है पंद्रह क्वेश्चन ओके नहीं मानेंगे हो रही है नौ में से आठ गया एक सोलह में, में से आठ गया माइनस ये है तीन बारह गया टू फोर्टी थ्री तो ते तीन की घात चार तीन की घात पांच तीन की घात एक तीन की घात दो माइनस का, तो थी <थीध> थी तो का आएगा यहाँ पर तो दो सौ इक्यावन में से नौ माइनस करो नौ दो ग्यारह टू फोर्टी टू आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दस वन नेक्स्ट यहाँ ग्यारह का डिफरेंस है बारह में से छः गया छः सोलह का डिफरेंस आ रहा है फिर यहाँ पर दस में से नौ गया एक दस में से चार गया छः, पांच का डिफरेंस दिख रहा है तो पाँच पाँच के डिफरेंस पे तो पूरा नहीं होगा क्योंकि दो ही हैं, पाँच धनी दस करो तो ये छब्बीस हो जाएगा पांच पंद्रह करो छः पांच ग्यारह दो तीन और एक चार और पांचों को बीस करो इकसठ आ जाएगा ठीक जा रहा है मतलब छब्बीस छः सात आठ आठ दो दस एक सौ आठ है ऑप्शन में यस नेक्स्ट सारे सही दिख रहे हैं का ये है नौ एकम नौ नौ चौवन ये नौ एकम नौ अठारह ये नौ एकम नौ नौ सात सोलह नौ आठ बहत्तर छ है और बीच में एक और बच रहा है तो छ चार दस या सिंपली वी कैन चेक द डिफरेंस ये जीरो बारह में से तीन गया आठ यहाँ पर चार में से दो गया दो तेरह में से 6 गया सात फिर बारह में से आठ गया चार बावन तो नौ छवन नौ आठ बहत्तर यहाँ क्यों गड़बड़ हो रही है यहाँ कुछ गड़बड़ है ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है लीव करूंगी मैं इसको वन जीरो एट आठ चार बारह आठ में से दो गया 6, 16. ठीक है फिर यहाँ पर बारह में से आठ गया चार छ में से चार गया दो और वन जीरो टू फोर चार चौक सोलह चौक चौसठ चार चौक सोलह चार चंग चौबीस और एक पच्चीस चार चंग चौबीस चार पंच बीस इक्कीस बाईस चार दूनी आठ चौसठ ऐड करो एक सौ अट्ठाईस में आठ चार बारह छः सात आठ और एक नौ वन नाइनटी टू कर एक्ट हो जाएगा पंद्रह यहाँ इंटू वन प्लस वन दिख रहा है डिक्रीजिंग है आधा करोगे सेवन पॉइंट फाइव फाइव प्लस पॉइंट फाइव पंद्रह दूनी तीस तो यहाँ टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव थ्री बाई टू कर आ, इसका कितना करोगे फाइव बाय टू सोलह पंचे अस्सी और दो दशमलव पांच एटी टू पॉइंट फाइव टेक टाइम हम अर्थमेटिक को ही करेंगे यहाँ परसेंट सैलरी एंड फोर्टी परसेंट डेट ऑफ इन कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर सिक्स मंथ तो ये दस परसेंट हो जाएगा और छः चौक चौबीस मतलब दो साल तो ये हो गया इक्कीस परसेंट ठीक है पी का और यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है बारह सौ साठ ये छः बार जाएगा साठ मतलब छः हज़ार प्रिंसिपल और ये चालीस परसेंट कितना साठ परसेंट किया था टोटल सैलरी पूछिए साठ परसेंट की वैल्यू छः हजार हंड्रेड परसेंट टोटल सैलरी होगी मतलब दस हज़ार नेक्स्ट

पांच इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पांच तीन आठ पांच चालीस लीटर है ऑप्शन में है नहीं है नन ऑफ इजी होगा इसका तो इजी है नेक्स्ट द हाइट एंड रेडियस सिलेंडर सेवन इज टू टू हाइट ऑफ रेडियस सिलेंडर साइड ऑफ स्क्वायर एरिया स्क्वायर सिक्सटीन दैट इज फोर एंड हाइट कितनी हो जाएगी दो दूनी चार तो सात दूनी चौदह सिलेंडर मतलब टू बाई आर एस बाईस छप्पन सात अठे छपन सोलह सोलह दो बारह दो चौदह टीचर थ्री हंड्रेड परसेंट मोर देन स्टूडेंट फोर इज टू वन एजेस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट वगैरह तो पंद्रह पंद्रह तीस माइनस करोगे तो साठ आ जाएगी मतलब पांच यूनिट की वैल्यू साठ एक यूनिट की वैल्यू बारह बारह चौकतालीस और ये बारह फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टीचर्स एज बिफोर फाइव ईयर एंड स्टूडेंट एज आफ्टर फाइव ईयर सत्रह और ये हो जाएगी तैंतालीस छः सात तेरह तीन में से ग्यारह दो छब्बीस साल ओह दिस डिस ऑनर शॉपकीपर सेल्स फोर्टी एट ठीक है सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइज फोर्टी रिमोव टू फिफ्टी एम वन लीटर मतलब एक हज़ार से दो सौ पचास तो मतलब सात सौ पचास का ये बेच रहा है एंड टेन परसेंट डिस्काउंट तो चालीस पे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हो गया नब्बे परसेंट का छत्तीस ये आपका हो जाएगा एक्चुअल प्राइस क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पर क्या कह रहा हैं मार्केट ने नहीं किया हुआ थर्टी सिक्स सी हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई सात सौ पचास ही बेच रहा है बट अड़तालीस पे बेच रहा है तो एक हजार का एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा अड़तालीस बने सात सौ हजार बटे पचहत्तर तो पच्चीस चौको सौ एंड पच्चीस लिया पचहत्तर तीन एकम तीन छम अठारह सोलह चौको चौसठ ये आ गया फाइन द प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट दिख रहा है चौदह में से छः गया आठ है ना

यहाँ पर क्या है रेड और येलो रोजेस दिए गए हैं डिफरेंस दिया है ठीक है तो टोटल रोज़ेस एंड रेड रोजेस तो हमें बनाना पड़ेगा कर लेंगे इसको ठीक है ए बी सी डी ई मिनट है अपने पास पॉजिटिव चलते हैं टोटल uh, और मेरे पास क्या दिया है टोटल एंड रेड और येलो और कौन ज्यादा दिया था यहाँ पर डिफरेंस में रेड मोर देन येलो ठीक है टोटल रेड और

अस्सी तो चार सौ और अस्सी मतलब दो सौ चालीस और दस मतलब चार गया सौ साठ फिर उसके बाद ये हमारा कितना हुआ तीन सौ ठीक है बीस बीस चालीस तीन सौ पचास और ये हमारा है तीस तो तीन सौ पचास और तीस तीन सौ अस्सी मतलब एक सौ नब्बे पंद्रह में से नौ गया छः दो में से एक गया एक नौ छः पंद्रह सही हो गया फिर यहाँ पर है दो सौ और ये हमारा बीस बीस चालीस दो सौ चालीस तो ये हमारा 200 240 मतलब 120 ये 80 लास्ट वन इज 500 500 एंड दिस इज 100 तो 600 मतलब 300 और 200 खत्म फटाफट क्वेश्चंस क्वेश्चन ऑफ रोजेस इन शॉप बी रोजेस सोल्ड इन शॉप बी कितने हैं 400 सौ वट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड इन शॉप ई ई में कितने हैं 500 सो वट परसेंट ऑफ द

और बी में बीस ज्यादा है मोर देन डी पिंक इन बी दैट इज तीन सौ बीस नेक्स्ट बढ़िया ठीक ठीक हाथ मारा ना हमने वहां पर वो हटा दिए इन शॉप ई आर बर्थडे पार्टीज तो ई e में टोटल कितने हैं पाँच सौ पान दूनी दस मतलब सौ निकल गए ठीक uh, है बर्थडे के चार सौ बच्चे आउट ऑफ द रेस्ट रोजेस मैरिज टू रिसेप्शन कितना इलेवन इज टू नाइन बीस तो ये दो सौ बीस और ये एक सौ अस्सी फाइन द सम ऑफ समेस फॉर द रिसेप्शन एंड बर्थडे पार्टी एक सौ अस्सी नेक्स्ट यहाँ पर क्या था द टोटल नंबर ऑफ रोजेज इन शॉप एफ इज हंड्रेड मोर देन सी मतलब चार सौ पचास एंड रेड टू येलो इन फोर इज टू फाइव नौ पचे पैतालीस चार पंच और ये दो सौ पचास तो रेड कितने है ना? रेड़, तो हैं ना रेड रेड ही तो पूछे दो सौ खत्म अब हम कहां पर स्टैंड कर रहे थे वो हमें देखना पड़ेगा एक मिनट भाई हमने इकतीस क्वेश्चन कर लिए हैं ये हमारा रह गया था इसके अलावा हम किस पर जा सकते थे हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक तो, क्योंकि अभी हमारे पास दो मिनट है मीरा लेस फॉर्म ए टू बी सिक्सटी uh, एंड टू पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है किलोमीटर मीरा डिक्रीज स्पीड टू फोर्टी मतलब चौबीस कर दी इसने अपनी स्पीड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन एक्स आर्स ठीक है आफ्टर मतलब साठ की स्पीड से चल रही थी तो टू पॉइंट फाइव कवर करेगी मतलब साठ की स्पीड से टू पॉइंट फाइव आर्स में इतना कवर करेगी डिस्टेंस होगी एंड मीरा ट्रेवल सिक्सटी स्पीड ऑफ होल जर्नी सी रीचेज दिस आर्स तो टोटल डिस्टेंस ऐसे भी कवर कर सकती थी एक्स माइनस पॉइंट फाइव ठीक है तो बारह दोनी चौबीस बारह पंच साठ बारह पंच साठ पच्चीस पाँच दोनी दस दो बारह प्लस टू एक्सिकाइव एक्स प्लस माइनस टू पॉइंट फाइव तो ये बारह में से दो गया दस आया और यहाँ पांच में से दो गया थ्री एक्स ये ऐड हो जाएगा पांच पाँच दस बारह तेरह चौदह पंद्रह एक्स की वैल्यू आ गई पांच फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो आपके पास साठ गुणे एक्स माइनस पॉइंट फाइव पाँच में से पॉइंट फाइव गया मतलब फोर पॉइंट फाइव छः पंचे तीस छः चौ चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस दो सौ सत्तर अच्छा सेट था ये ठीक है थोड़ा सा बीच में ऐसा लगा था कि हम काफ़ी टाइम के लिए जाएंगे है ना ये बचा है और ये बचा है चलो इसे भी कर लेते हैं बारह और आठ से रेनू रातिका इन्वेस्टमेंट पीरियड रेनू फोर एंड फाइव तो चार धूनी आठ दो छाक बारह सिक्स एक्स टू फाइव छः पाँच ग्यारह दूनी बाईस रातिका मतलब पाँच दूनी दस एक हज़ार दस हज़ार ये सही हो जाएगा ठीक है अब तेईस मिनट बचा है तो ये दो क्वेश्चन बचे हैं इसे भी देख लेते हैं द रेश द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड टू द स्पीड ऑफ बोट एट एक्सेस टू ए हमें फोर इज टू वन दिया टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल टू हंड्रेड डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब चार और एक पाँच पी कह दो इस सेवन आर लेस देन द बोट ट्रेवल ट्वेंटी मोर डिस्टेंस तो दो का कितना

तो आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए मैंने काफी प्रैक्टिस कराई है डी मैराथन में भी तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी देखिए ठीक है अब हम अगर डी को पहले न करते और इन अर्थमेटिक में अटक जाते तो मे बी हम डीआई के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती इसलिए छह मिनट जब बचे थे तब हमने डी को पहले अटेम्प्ट करने को सोचा था कि हम वहां पांच क्वेश्चन अपने पक्के कर लें ठीक है और यहाँ पर तीन क्वाड्रेटिक थी तो अच्छा सेशन था ये आई होप आपको पसंद आया होगा आपकी अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा ठीक है और बाकी मेंस की क्लासेस के लिए मैं फिर से आपको बता देती हर वीडियो में बता रही हूं कि से फॉलो करना है तो प्ले लिस्ट में कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी आपकी मेंस की जरूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सारे एग्जाम के लिए रुद्रा फाइव पॉइंट टू है इसमें सारी चीजें डिटेल में है आपकी मेंस तक की आप इसे देख सकते हो ठीक है अगर आप आईबीपीएस बी आई पीओ या किसी भी बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हो ठीक है तो चलो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बाय बाय टेक केयर गाइस